आज तो पहले तो सतविंदर राणा कदे हमने दिखा तक भी नहीं, कदे आज तक ये निका भी माफ कर रास्ता बनवा दूंगा। इनका हाथ में कुछ नहीं तो नंबर बनाने की दुकान है, पल्ला कुछ को नहीं, हमारी खुद की एकता बनी रही है तो मम्मी रास्ता खुद बना लेंगे, हमने किसी की जरूरत नहीं। 25 दिन हो गए धरना चल दाने, उस दिन की बात नहीं हुई, दुष्यंत को पता नहीं क्या हो रहा किसाना का गले, ये हमारी तक्का की ताई खड़ी है नी, इस पूर्ण दवाई तहड़े अंगले बांध देंगी, 10 बिलिया 10-12 करोड़ रुपये खराब होंगे। अरे किसाना खेतर तो एक रास्ता देंदे उन्हें, मारा बा मैं चाहूरा भाई जमा 10-12 के 100 करोड़ रुपये लग जो, हमने तो पुल चाहिए, रास्ता चाहिए, ड्राइंग बना के किसाना का पेटा भरो, अरे काम शुरू करो, हम धरना ठहन दूड़े मानो तो काम बहुत है। आज तक भी कमलेश डंडा जो आपकी यहाँ की कलायत की विधायक वो आज तक पहुंची नहीं है, शर्म की बात है। अरे वह वोट लेनी 2024 में भी देख लिया, वोट लेनी फिर आओगी तर दो इबी मनस बन जो मैं तो उनको वाड़े कलायत के लोग ने इसी सी का तुम डंडे लेकर अपने जूते लेकर बजाए थे, जो अपने 8 जड्डा में अपने 80 साल के बुढ़े बैठे, सिर्फ उसका यो काम था भी हाँ रास्ता में दुआ दूंगी, एक बार आने का तो था उसका। किसान आंदोलन ने बहुत सारी महिला नेत्रियों के चेहरे भी दिए हैं और उन्हीं चेहरों के बीच पूनम रेड्डू कंडेला एक काफी लोकप्रिय चेहरा रही थी और आज कमालपुर के धरने पर भी पहुंचे है। हालांकि ये बार बार इस धरने पर पहुंचती रही है और हर बार इन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन आज एक तरीके से माहौल ऐसा हुआ कि एक तरफ जजपा नेता सतविंदर राणा थे तो दूसरी तरफ पूनम रेड्डू कंडेला थी और एक तरीके से उन्होंने एक भरसक प्रयास किया और एक तरीके से यह झड़प भी होती हुई देखी गई और तर्क वितर्क भी होते हुए देखे गए और पुल बनाने को लेकर किसानों का मुद्दा एक तरीके से मुखरता से रखते हुए नजर आए। पूनम बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा ये जो 25 दिनों से धरना चला हुआ है आप इसको कैसे देखती हैं? देखो ये धरना नहीं है, ये हमारी मांग है, क्योंकि ये जमीन हमारी खुद की है, किसी प्राइवेट कंपनियों की नहीं है, क्योंकि हमारी जमीन निकली और जो हमारा यहाँ पर रबजाया है वो रबजा आज इतना है, वो शायद वो थोड़ा चौड़ा भी होने लग जाता है, उस रबजा ने बताओ पानी कितनी कितना दे सकेंगे माम उसमें, माम खुद अपना रास्ता मांगा और जो ये अपने बीओ साहब आज आए हैं वो बोल रहे हैं ये प्रोजेक्ट 200 करोड़ का बचेगा 300 करोड़ का, ये तो इनकी कहने कुआई बात है, ये तो क्या करें इनका, ये खुद का माल पानी खान खातर इनका चक्कर में रहे, हम तो सीधी यह बात कमा जितना भी उसका चलो वो मान गए हमारी मांग, मान जिस साथ नहीं मांग माने तो ये हमारे ट्रैक्टर खड़े में हम साथ आई ना खुद अपना रास्ता बनाओगे। झड़प भी हुई है आपकी सतविंदर राणा से, एक तरीके से कहा सुनी हुई है, क्या नतीजा निकलता हुआ आपको दिख रहा है? देखो सतविंदर राणा तो ये बोल रहा है मैं कोई पार्टी से नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक चेयरमैन वगैरह हूं, मैं तो जानती भी नहीं, देख भाई सच्ची बात मैं तो पहली बार नाम सुना है, लेकिन हम यह कहा भी हमारी मांग मान जो मामनू चाह भी देखो मांग ये मानन मुनन में कुछ को नहीं है तो सिर्फ कहा कर भी इन्हें 2024 में वोट लेना है हमारे किसाना का बीच में, इन्हें ये रास्ता अपना रास्ता साफ करने लग रही है, इन्हू चाहे भी आम ही किसाना का बीच में जा और माम अपनी मांग मंगवा हमारी मांगा ने मंगवा, आज से पहले ये 25 दिन पहले ये हमारी मांग यहाँ पे बैठे थे, आज से पहले तो सतविंदर राणा कदे हमने दिखा तक भी नहीं, कदे आ सके ये निका भी माफ कर रास्ता बनवा दूंगा, यो हमने धरना चालू रखा जब उसने देखा हाँ भाई किसान आज इकट्ठे हो गए और आज एक खुशी की बात है, क्योंकि अपना किसान आंदोलन में थोड़े ये गांव थोड़े ठंडे अवस्था में थे क्योंकि मैं सच्ची बताऊं, लेकिन आज मैंने इस गांव की और जो ये अपने 5-6 गांव है इनकी एकता ने देखकर वो क्या करें भी नहीं, इनके अंदर इतना जोश है भी आने वाला टाइम में 7 तारीख तक हम खुद अपना रास्ता बना लेंगे। यहाँ पर उम्मीद बनी थी आज की आंदोलन शायद ये खत्म हो जाएगा जो 25 दिनों से जारी है और एक तरीके से रास्ता भी निकल आएगा, मैं जरूर आपसे भी बात करूंगा, तो वो उम्मीद अब एकदम से ऐसा लगा कि जब अधिकारी यहाँ पे आए सतविंदर राणा यहाँ पे आए तो वो एक उम्मीद सी टूट सी गई क्योंकि लग रहा था कि बात बन जाएगी आज, इनका हाथ में कुछ नहीं तो नंबर बनाने की दुकान है, पल्ला कुछ को नहीं, रास्ता बनाने वाला जो 100 बीओ वगैरह ये बनाओगे क्योंकि इन्हें दो ये पुल बनाने हैं, इन्हें दो पुला का एक पुल बना दिया अपना मतलब पीछे खान के मारे ने, लेकिन हमारे किसान है वो समझदार थे उन्होंने भी देखा भी अपना रास्ता यहाँ पर निकलता नहीं है उन्हें इस चीज का, लेकिन मामनू को अपनी एक हमारी खुद की एकता बनी रही है तो मम्मी रास्ता खुद बना लेंगे, हमने किसी की जरूरत नहीं और खुद बनाना भी पड़ गया तो मामनू को हाँ इस रास्ता पर हम किसी ने चढ़न भी दे दिया, हमारे खुद के ट्रैक्टर हमारी खुद की बुग्गी चल जा करेगी इस पर, ये नुकारी ट्रक चल जा करेगा ये जम्मू कुटर वाला इस पर कुछ नहीं मारे रास्ते माम खुद चल जा करेंगे इस पर। ये बहुत सी और भी महिलाएं जो बात रखने की इच्छुक हैं, जी मैडम क्या कहना चाहती है? भाई मैं तो पहली बात तो जो आपने बाण से सवाल कराया कि सतेंद्र राणा ये सतेंद्र राणा आज है गया जब सतेंद्र राणा उरा इस हल्का में विधायक बनना चाहे सपने देखे है कि और फिर कहे कि मेरी दुष्यंत से बात हुई और दुष्यंत ने उसका कट के एक बता कट गिटकड़ी काटकड़ी दा बात करी थी बेरा भी निभाई मंदो ना हाँ उस दा बात करी थी नो बताओ 25 दिन हो गए धरना चल दाने उस दिन की बात नहीं हुई दुष्यंत को पता नहीं क्या हो रहा किसाना का गले भाई ये राजनीतिक थी मैं तुम्हें तो कुछ सतेंद्र राणा भी अपना रास्ता साफ करना था वोटों का तरह था उसने कोई मतलब नहीं अड़े को चाहे पुल बनो चाहे जमा इस यू जो से बने रहे नींती भी घेर दियो इनकी कोई मतलब नहीं ये चाहे कि भाई हम जनता के बीच में आवा ये बीजेपी और जेजेपी सरकार ये जो दल है भाई इनकी हमें किसानों के बीच में बढ़ा और किसाना ने भूखा हुआ और उरत अपना इधर ना खत्म करवा और फिर यू अपना इनका रास्ता साफ हो जाएगा
लेकिन इन समझ जाना चाहिए बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ता सरकार जो भी है वही भी है किसान भोले भाले को नहीं रहे। इन्हें पता लग गया ये वादा खिलाफी सरकार है क्योंकि हमारे गले कई बार वादा खिलाफी कर लें थी ई भावे तो जब तक ये पुल नहीं बन जाएगा जब तक धरना नहीं ठांदे। और 7 तारीख का टाइम दे रखा है, 7 तारीख ने भाई किसाना के ट्रैक्टर होंगे, किसाना की जेवीसी होगी, किसाना के मजदूर, ये हमारी तका की ताई खड़ी है नी इस पुल ने तो भाई तहले अगले बांध देंगी कदे सरकार का कि मैं भरम होनी खड़े खड़े देखेंगे सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी सब कुछ भाई समझ जाना चाहिए। हमें की बार बुका चाहे वो सितेंद्र राणा ने भेजो चाहे दूसरिया चोटा लाओ जब तक पुल नहीं बनाएगा जब तक हम धरना ठावा को किसी हालत कार्ड अड़ा हुआ। आपको पता मांग आपकी जायज है, ये पुल बनना ही चाहिए, जरूरत है गाँव की, पेंच का कहाँ अड़ा, सरकार क्यों नहीं मान रही की ये मांग जायज नहीं है या कुछ और बात है? आज बोल दिया रे 10 बिलिया 10-12 करोड़ रुपये खराब होंगे, अरे किसाना खेतर तो एक रास्ता देंदे उन्हें इनके 10-12 करोड़ रुपए देखे, और ये इन्होंने मेरा अरबों खरबों पूंजीपति आदमियों के माफ करने लग रहे हैं, मारे तो किसाना के जे 2 लाख रुपए लेके बहुत से किसान जेल में सिड़न लग रहे भाई। अरे इनका इनका मतलब है कि भाई ऐड है भी मारते ही पता है दिया भाई किसान सोचने पे मजबूर हो जाएंगे भाई सरकार का घाटा होगा क्योंकि मारे भोले भाले किसान है कि भाई 10-12 लाख का सरकार का घाटा होगा। मारा भा मैं चाहूर भाई जमा 10-12 के 100 करोड़ रुपये लग जो, हमने तो पुल चाहिए रास्ता चाहिए जो हमारी किसानों की जायज मांगे हम तो पूरी कराए बिना किसी हालत भी नहीं उठते और ना मैं इनकी बुकावा मान दे। इनकी बार चाबरी भी मारे गले आज भी मीटिंग कल मीटिंग परसों मीटिंग इनकी रोज मीटिंग। अरे एक वैसे सितेंद्र राणा कि भाई मैं तो सर किसानों की तरफ तय गया हूँ, किसानों ने भाई कमेटी बना रखी है जे इनकी रास्ता देना जे इनकी पुल बनाना जे सरकार ने बातचीत करनी है कमेटी के बीच में आके बात करो के मतलब हमने के बेरा यू सरकार का दल्ला है सितेंद्र राणा अके भाई किसाना का तो मना लगता नहीं हो सकता क्योंकि जो सरकार के साथ इस बीजेपी और जेजेपी सरकार के साथ बा वो किसाना का कदे भी सच्चाई नहीं हो सकता, वो है सरकारी बंदा। मैं तो कहूँ भाई जे सरकार ने बात करनी है कंपनी ने बात करनी है कमेटी बना रखी गांव की इसके गले के बात कर लो और सीधा फैसला क्या करना है, नक्शा बना के दो ड्राइंग बना के किसाना का पेटा भरो अरे काम शुरू करो हम धरना ठहन दूड़े मानो तो काम बहुत है। देखिए मेरी काकी ताई धंधा छोड़ छोड़ के आ रही है और हम कितनी दूर दूर तैरे इवनू बता। दूसरी बात भाई हम तो जब तक ये हमारी मांग नहीं मानती हमें धरना नहीं ठांदे उरे रहेंगे और भी जनसंख्या बढ़ाओगे। 7 तारीख का हम दे रखा है ऐलान कर रखा है किसानों ने, फिर देखो भाई हम सरकार खुद जिम्मेवारी होगी जो किसान करेंगे हमें इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मेरी आज तक भी कमलेश डंडा जो आपकी यहाँ की कलैत की विधायक वो आज तक पहुंची नहीं है, शर्म की बात है। और वह वोट लेनी 2024 में भी देख लिया वोट लेनी फिर आओगी तर दो इी मनस बन जो मैं तो कहूँ अड़े कलैत के लोगों ने इसी सी का तुम डंडे लेकर अपने जूते लेकर बजाए थे जो अपने अड़े जड्डा में अपने 80 साल के बुढ़े बैठे उन्हें नुए नहीं देखती भी वो कुए और रास्ता हमने के सिर्फ उसका यो काम था भी हाँ रास्ता में दुआ दूंगी एक बार का तो था उसका युवा वोट लेने तो आ जाएगी एक बार अपना खुद करड़ा होना पड़ेगा। मैं तो कहूँ लोगों ने अगर 2024 में अगर यह सरकार आएगी नहीं तो अपने गले से हालात कर देगी कि अपना अपने खेत में भी बढ़न के चोर हो जाएंगे ई भी मजबूत हो जाओ क्योंकि अपने दौरा टेम है। मैं नहीं कहती किसी ने भी वोट दे दो लेकिन जे जे फिर बीजेपी ने छोड़ के किसी ने भी वोट दे दो क्योंकि ये लोग आखिर में इसे हालात पैदा कर देगा अपने बड़का ने विदेशा में अपने बड़का ने भेजा हम बालक मरे आवे है माँ बाप ने लाश भी नहीं मिलती और इसे हालात पैदा हो जाएगा आने वाला टाइम आप खेत बढ़ने भी चोर हो जाएंगे। इब भी अगर आप मजबूत नहीं होए इनका पछा नुए अंडे गए तो हालात कुछ का कर नहीं अंग्रेजा तो भी बुरे हालात हो जाएंगे अपने। मैं तो नुए कहूँ मेरे यार्ड कलैत के लोगों ने देखो हमने रास्ता जिसने हमारे ये बुजुर्ग हमारी मातृशक्ति बैठे बूढ़े बैठे यो रास्ता पे क्योंकि अपना अंदर इतनी हिम्मत है किसान को मैं कि आप अपना हक लेने जाना हा और अपना अंदर इतनी है हिम्मत भी आप रास्ता लेकर भी हटांगे लेकिन आने वाला टाइम हिसाब पैदा कर देगा 2024 में बोल भी नहीं सकांगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमलेश डांडा की बात रही मैंने कहूँ कमलेश डांडा में बिल्कुल भी दिमाग नहीं रहा राजनीतिक मन का, उसने तो घने दिन पहला तो किलैत जिला बना दिया भाई किलैत में शुगर मिल रहे मैं तेन कहूँ और मारे बतेरे कक्के मारे भाई पढ़े लिखे हैं किलैत हल्का में भाई मारे बालक राजनीतिकरण भी सीख गए बोलने भी सीख गए और भाई ये ठह देंगे इस कमलेश डांडा ने तो शांति से घर बैठ जाना चाहिए इसके बस की बात रही नहीं राजनीतिक करनी। तो राज्य मंत्री कमलेश डांडा जी के कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहूँ 10 साल तक जमींदार बेबिसुआ का बना 10 साल हो गए चुगरदार रोड हो गए कंपनी होगी बल्क इसका मतलब भूखे मरदे अपने बाल कंट पावे या बेबे कहती वाई बात हो रही है बेटा बुरा हाल हो गया भारत का और कर दिया भाई सरकार ने जो ई बारी है मोदी लाले खट्टर लाले डांडा लाले कुछ भी लाले बेटा जमा रोटी खान तभी तरसा से बूढ़े आश्रमा में जान लग गए रे भूखे मरदे बुरा हाल हो गया बेटा
तब मारे बैठे हो सरकार पे भी मारे वहाँ बैठे से बाकी बुरा हाल हो गया जमा। कमालपुर गांव से आप? हाँ कमालपुर गांव से। तो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का नाम आया कि वो यहाँ से विधायिका है लेकिन धरने पर नहीं पहुँच रही है, किसी तरह का आश्वासन नहीं दे रही है क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है, विधायक वो यहाँ से है, वोट वो यहाँ से लेकर के गई है, लेकिन किसी तरह की या पूरी तरीके से नजरअंदाज की देखी गई है राज्य मंत्री द्वारा इस धरने को लेकर के। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।